प्रशासन द्वारा एक कदम पटना संग्रहालय के विशेषज्ञों की एक टीम के दौरे करने के करीब 40 दिन बाद उठाया गया है। बीते 13 जुलाई को पटना संग्रहालय के विशेषज्ञों की एक टीम ने पटना कलेक्ट्रेट के ध्वस्त किए गए हिस्से में विरासत कलाकृति का निरीक्षण किया था, जिसका उद्देश्य उन कलाकृति का मूल्यांकन और बचाव करना था। विरासत और खंडर किसी भी शहर की पहचान होती है, ऐसे ही विरासत और खंडर से शहर की गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। राजधानी पटना में भी दुर्लभ विरासतें और खंडरों की भरमार है। ऐसी ही एक विरासत एक रोड रोलर है, जिससे पटना की सड़कें बनाई गई थी। यह रोड रोलर लगभग 121 साल पुराना है और वर्षों से पटना के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में जंग खा रहा है। इसे ब्रिटिश शासनकाल में सड़क निर्माण के लिए ब्रिटेन 19वीं ईस्वी में मंगाया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने इसकी सूद ली है और इसे बुधवार रात शहर के म्यूजियम में स्थानांतरित किए जाने की संभावनाएं हैं। प्रशासन द्वारा एक कदम पटना संग्रहालय के विशेषज्ञों की एक टीम के दौरा करने के करीब 40 दिन बाद उठाया गया है। बीते 13 जुलाई को पटना संग्रहालय के विशेषज्ञों की एक टीम ने पटना कलेक्ट्रेट के ध्वस्त किए गए हिस्से में विरासत कलाकृति का निरीक्षण किया था, जिसका उद्देश्य उन कलाकृति का मूल्यांकन और बचाव करना था। पटना संग्रहालय के विशेषज्ञों की एक टीम ने दौरे के दौरान दुर्लभ एक सदी से अधिक पुराने स्टीम रोड रोलर, जिसका निर्माण एक ब्रिटिश कंपनी ने कराया था, एक आदित्य लटकता हुआ रोशनदार और एक पुरानी तिजोरी जो कि परिसर में डच युग की इमारत के एक कमरे में रखी गई है, इन सब का निरीक्षण किया गया। जॉन पॉलर एंड कंपनी लिमिटेड इंग्लैंड द्वारा निर्मित रोड रोलर वर्तमान में गंगा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक जिला अभियंता कार्यालय भवन के सामने एक खुले क्षेत्र में पड़ा हुआ है। इस कार्यालय भवन का एक हिस्सा को नए कलेक्ट्रेट परिसर के लिए रास्ता बनाने के लिए 3 जुलाई को ध्वस्त कर दिया गया था। इसके साथ यह भी बताया गया है कि स्टीम रोड रोलर को स्थानांतरित किया जाने की प्रक्रिया बुधवार को आधी रात के करीब की जाएगी, क्योंकि पास में चल रहे पटना मेट्रो परियोजना के काम के कारण कलेक्ट्रेट के ध्वस्त किए गए हिस्सा के आसपास के क्षेत्र में हाइड्रोलिक क्रेन और इस तरह की अन्य बड़ी मशीनें दिन के समय प्रतिबंधित है। हालांकि एक अन्य सूत्रों ने कहा है कि रोड रोलर कल स्थानांतरित किया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों के विरासत प्रेमी ने 19 जुलाई को बिहार में संग्रहालय के अधिकारियों से प्राचीन टीम रोड रोलर और अन्य पुरानी वस्तुओं को तत्काल स्थानांतरित करने की अपील की थी। इसमें एक डच युग की लटक रोशनदान, पुरानी सुरक्षा तिजोरी और एक पुरानी दीवार घड़ी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को कला और सांस्कृतिक विरासत संपत्ति भारतीय राष्ट्रीय न्याय की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पटना कलेक्ट्रेट परिसर को विध्वंस को रोकने और ऐतिहासिक स्थल को विध्वंस से बचाने का अनुरोध किया गया था। इस मुद्दे पर विरासत निकाय वर्ष 2019 से ही कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। पटना संग्रहालय ने कुछ दुर्लभ विरासत वस्तुओं को प्राप्त करने में रुचि दिखाई है। कचरे के ढेर पर पड़े इस रोड रोलर के इतिहास से लोग अपरिचित हैं। अगर रंग रोगन और थोड़ी साफ सफाई कर इसे म्यूजियम में लगा दिया जाए तो यह शहर और म्यूजियम के लिए सम्मान की बात हो सकती है। कुछ समय पहले तक इसके भारी लोहे के पहिए मिट्टी के ढेर में दबे हुए थे और ब्रिटेन रोड रोलर के बड़े पहिए अंततः खोदकर बाहर निकाले गए और यह मशीन वर्तमान में समाहरणालय के विकास परिसर में एक समान स्तर पर पड़ी, जो बचाव की प्रतीक्षा कर रही है। अब आगे देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुचि दिखाती है। खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद।